हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इससे पहले आपको बता दिया था, आईपीएस सिंबल वॉवेल बताया था और आईपीएस सिंबल डिपथॉन्स वॉवेल बताया था, दोनों बता दिया, जो 48 होता है। ये भी मेरा लेक्चर 80 है। अब मैं आपको बताऊंगा आईपीए सिंबल या फिर आईपीए कंसोनेंट्स क्या होता है, और उसका हिंदी फोनिक्स है और ये एग्जाम्पल है। तो ये देखते हैं, ये देखिए, ये आईपीए सिंबल है, इसको हम पढ़ेंगे प। इसके लिए क्या मात्रा लेंगे हिंदी में, प। क्या हिंदी प्रोनाउंसिएशन प लेंगे इसके लिए, क्या। अच्छा, एक बात और, ये जो आईपीए कंसोनेंट्स है, इसको अगर हम लेटर में लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, तो इसमें वॉवेल या फिर डिप्थोंग्स वॉवेल की जरूरत पड़ती है। तो जो प्रोनाउंसिएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। तो देखिए, इसको पढ़ेंगे प, प के लिए लीजिए, कैप, कैप को कैप में आ रहा है ए की मात्रा, तो इसके लिए ये लिखते हैं हम, इसके जगह पे ये लिखते हैं, तो ये भी हम कैप ही पढ़ेंगे। इसी तरह पीनट, पेंसिल, ईटीसी, पॉ के वर्ड में जो भी आएगा उसको इस तरीका से लिख सकते हैं। इसको इसके लिए हम बॉ प्रोनाउंसिएशन लेंगे हिंदी, इसके लिए बैड, बैड को इस तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से बिग, बेबी, रब, ईटीसी को लिख सकते हैं। इसके लिए टॉ लेंगे, टॉ हिंदी में, इसके लिए फिट, टॉ प्रोनाउंसिएशन, इसके लिए एग्जाम्पल फिट, फिट को आप इस तरीका से लिख सकते हैं। ई की मात्रा दे रहा है इसे, टेक टू, इस समय भी टॉ की मात्रा है, फॉ की मात्रा है, तो इसके लिए आप टॉ की मात्रा है, तो इसके लिए आप इस प्रोनाउंसिएशन में लिख सकते हैं इस सब को। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ये है आईपीए, ये आईपीए सिंबल है, इसके लिए हिंदी प्रोनाउंसिएशन लेंगे डॉ, डॉ के लिए बैड, डॉ की मात्रा, लेकिन इसमें ए की मात्रा भी आता है, तो इसके लिए ए के लिए ई ही लेते हैं ये वाला, तो बैड, ये आईपीए सिंबल के अकॉर्डिंग बैड, इस तरीका से डॉट, रेड, ये सबको लिख सकते हैं। के लिए क, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसको ई, आईपीए सिंबल इसके लिए क, इसको पढ़ेंगे आप क, क की मात्रा के लिए ब्रेक, ब्रेक को इस तरीका से आप लिख सकते हैं। कैन, कैट, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको, ये आईपीए सिंबल है, इसको पढ़ेंगे ग, इसमें इसको ग की मात्रा में पढ़ेंगे, और इसके लिए फ्लैग, तो फ्लैग को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से गर्ल, गैंग को लिख सकते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन, इसको देखिए, इसको 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 पढ़ेंगे च की मात्रा में, इसका उच्चारण च की मात्रा में होगा। इसके लिए रिच, रिच को इस तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक। चेंज, वो चेंज, इसको भी लिख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रोनाउंसिएशन, ये हिंदी, ये आईपीए सिंबल को लेंगे ज, इसको ज की मात्रा में पढ़ेंगे। जैम, जैम को आप इस तरीका से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है फ, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन लेंगे फ, फ के लिए फाइव, फाइव को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आ और ई की मात्रा आ रहा है, तो आ और ई के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं फाइव, इस तरीका से। वेरी, ब्रैंड, वीरन, विब्रैंड, वेब्रैंड। उसके बाद इधर देखिए, इसको व, ये व की मात्रा में, इस आई सी ए को व की मात्रा में पढ़ेंगे, और इसके लिए वैब, तो वैब को आप, वैब में आ रहा है ए और ई दोनों आ रहा है, तो इसके लिए आप ये वर्ड लीजिए, तो वैब, वैब, इस तरीका से। वेरी, विब्रैंड, ये हो गया। उसके बाद इसके लीजिए, ये है, इसको देखिए, ये आई पी ए सिंबल है, इसको थ की मात्रा में पढ़ेंगे, इसको थ की मात्रा में पढ़ेंगे, इसके लिए थिन, तो थिन को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से मिथ, थैंक, इस सबको भी सारा इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ये देखिए, आईपीए कंसोनेंट्स है, ये है, इसको आप, ये आईपीए कंसोनेंट्स है, इसको आप द की मात्रा में यूज कीजिएगा, इसलिए इसको देखिए बैद, बैद है, बैद में आप ये जो यहाँ पे द की मात्रा दे रहा है, इसके जगह पे आप इस लेटर का यूज किया, आईपीए का यूज किए, और इस तरीका से इसको बैद को लिख सकते हैं दूसरी तरीका से इंग्लिश में, इस तरीका से दो विद ईटीसी को लिख सकते हैं। ये आईपीए सिंबल सौ की मात्रा में इसको यूज कीजिए, सिक्स, सिक्स को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इसी तरीका से फर्स्ट सिल्मी, इस तरीका से लिखा जा सकता है। इसको देखिए, ये इस आईपीए को ज की मात्रा में यूज कीजिए, और इसके लिए बीजी, बीजी को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, और इस तरीका से आप जीरस, बूस, ईटीसी को लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये है सौ, इसको आईपीए को सौ की मात्रा में यूज कीजिएगा, इसलिए फिश, फिश में सौ की मात्रा, तो फिश को इस तरीका से लिखा जा सकता है, इस तरीका से सू साइन को लिखा जा सकता है। इसको देखिए, ये है सौ की मात्रा, ये आईपीए को भी सौ की मात्रा में यूज कीजिए। इसके लिए विजन, विजन, विजन को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से प्लीजा, मेजन को लिख सकते हैं। ये है इस, ये इस आईपीए को आप ह की मात्रा में यूज कीजिए, ह की मात्रा में, ह की प्रोनाउंसिएशन यूज कीजिए। इसके लिए एग्जांपल हैट, हैट, हैट को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से हेलो, हाउ को लिख सकते हैं। इस आईपीए को देखिए, इसको आप मौके प्रोनाउंसिएशन में यूज कीजिए, और इसके लिए है फैम, तो फैम को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से माई, मस्क्यूला, मैन, ईटीसी को लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको आप नौ की मात्रा में यूज कीजिए,
इस आईपीए को नो के प्रोनाउंसिएशन में यूज कीजिए। इसके लिए एग्जांपल देखिए, नो नो को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं और इस तरीका से नाइस नॉइस को लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये है अंग, ये अंग की मात्रा में यूज कीजिए इसको। इसको आप इस आईपीए को अंग के प्रोनाउंसिएशन में यूज कीजिए। और इसके लिए देखिए, सिंग सिंग में इंग आ रहा है ना, तो इसके लिए आप इस सिंबल को यूज कीजिए और इसको इस तरीका से भी आप सिंग को लिख सकते हैं। इसी तरह रिंग वॉकिंग ईटीसी को लिखा जा सकता है, जिसकी जिसके उच्चारण में अंग की मात्रा है। इसको देखिए, ये आप लॉ की मात्रा में इसको यूज कीजिए, इसको लॉ प्रोनंसिएशन में यूज कीजिए। इसके लिए फाइल, फाइल को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से लेक लव लाइक ईटीसी को लिखा जा सकता है। इसके लिए रॉ, रॉ प्रोनंसिएशन लीजिए, रॉ के लिए रेड, रेड को आप इस तरीका से लिख सकते हैं और इसी हिसाब से रन रेड ईटीसी को लिखा जा सकता है। और इसको देखिए, ये है, ये इस प्रोनंसिएशन को आप यौ की मात्रा में यूज कीजिए, इसको आप यौ की मात्रा में यूज कीजिए। इसके लिए देखिए, यस यस को आप इस तरीका से लिख सकते हैं और इसी तरीका से यू येलो ईटीसी को लिखा जा सकता है। और ये इस प्रो इस आईपीओ को, ये है डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए आप वो की मात्रा यूज कीजिए। वॉन वॉन को आप वॉन में इस तरीका से भी इसको लिखा जा सकता है, इसी तरीके से व्हाट वाई वेन को लिखा जा सकता है। और ये टोटल है 25।